covered so far that a decoder is a circuit that helps us to generate the possible min terms with that particular variables. अगर हम एक 3x8 decoder लेंगे तो जो भी min terms हमारे पास generate हो सकती हैं तीन variables से वो सारी generate कर रहा है. And now based upon the requirement हम उसी min term को अपने circuit में देंगे और required function इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अब एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई भी बूलियन फंक्शन दी होगी, ठीक है. आई आई हैव सिंपल एग्जांपल, आपके पास क्वेश्चन इस तरह हो सकता है और यू हैव टू इम्प्लीमेंट एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी व्हिच इज गिवन एज ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार. So, क्या मैंने कहा लास्ट टाइम, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू व्हेन यू आर इंप्लीमेंटिंग समथिंग यूजिंग अ डिकोडर, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, मिन टर्म्स. हाँ, क्या जरा कौन कौन सी मिन टर्म आएगी इसमें, एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, क्या रहेगा मिन टर्म, हाँ कहाँ है, सिंस याद रखिए आपको इसको आपको एक कंप्लीट मिन टर्म चाहिए, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं तीसरी टर्म मिसिंग है. सो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करेंगे, ए बी सी प्लस सी बार. ये सी प्लस सी बार क्या है, क्योंकि आपको पता है सी प्लस सी बार इज इक्वल टू वन. उसी तरह जिस तरह मैथमेटिक्स में कोई चीज ऐड करते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ऐड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय टू और डिवाइड बोथ साइड्स बाय टू, इस तरह से लाइकवाइज वी use this one, because अगर देखा जाए ये into one है यहाँ पे, so c plus c bar, then a b bar c and a b bar c bar, यहाँ पे आपकी अब min term निकलेगी इस term की वजह से, दो a b c plus a b c bar plus a b bar c plus a b bar c bar, so now you have to write it in terms of summation of this is 7. This is 6, this is 5, and this is 4. And I think now it's an easy job, right? Now you can do it using a decoder. Obviously, you can. 3 cross 8 decoder use karenge, aur respective min terms ko leke jayenge. Isme aapne OR gate mein liya, aapka implement ho gaya. F of A, comma B, comma C. Samajh aaya? I think can you do this part, please? जो 7, 6, 5, 4 वाली मिन टर्म है खाली उसको ले रहे हैं और गेट में बाकी सब कुछ छोड़ देना है. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट. ये किस किस को क्लियर नहीं हुआ, रेज योर हैंड. हां साहब, विंस का बगैर से क्लियर. हां जी, देखो जी बेटा, यहां से इस चीज का ध्यान रखो, आपको वहां से क्वेश्चन में दिया है ए बी, यही पे द की पॉइंट इज दिस. मैंने आपसे ये कहा कि एक डिकोडर से हमारे पास मिन टर्म जनरेट होती है ना, ये पता है ना. अब यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, क्या क्रॉस क्या डिकोडर मैं यूज करूं, 3x8 डिकोडर हो गया, नमस्कार. उसके बाद मैंने ये कहा कि ये जो इक्वेशन है आपको एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स पता होनी चाहिए, कौन कौन सी मिन टर्म आ रही है फंक्शन में. अब मैंने आपको ये वाली फंक्शन इंप्लीमेंट कर दीजिए, लेकिन इस फंक्शन में सी आपका मिसिंग है, तो कैन यू डिकोड द मिन टर्म, नो. उस चीज को सॉल्व करने के लिए आपने c प्लस c बार इसमें जोड़ दिया, क्योंकि c प्लस c बार किसके बराबर होता है, c प्लस c बार इज इक्वल टू 1. तो यहां पे क्योंकि 1 था, मतलब कुछ नहीं है, तो हमने 1 लिया, तो 1 को हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ c, क्योंकि वही है मिसिंग टर्म, राइट. दिस इज द स्टेटमेंट, जो भी कोई मिसिंग टर्म होगी ना फॉर फाइंडिंग दिस रिप्रेजेंटेशन, यू शुड गेट दैट मिसिंग टर्म फर्स्ट, क्योंकि इसमें ए बी है और सी मिसिंग टर्म है, तो सी को लाना पड़ेगा. हो सकता है यहाँ पे ए सी होता तो हमें बी प्लस बी बार को लेना था, ऐसा समझ. फिर जाके जो मिन टर्म फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन निकलती है उसको सिंपल, फिर यहां से ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है. इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, देन गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी, नॉट माई. मेरा बस यहाँ पे एक नया पॉइंट मैंने बताया, ये समझ आया आपको, मेरा सवाल बस ये कि क्या ये समझ आया आपको, कौन इसको नहीं समझ आया, एनीवन, आपको समझ आया बच्चे,
आपको समझ आया? नहीं आया सब। सिंसियरिटी इज द की, ये बात है थोड़ा बहुत। सिंसियरिटी इज इंपॉर्टेंट। यू कैन से 50% समझ आया, 30% आया, दैट इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, नॉट फॉर यू बट फॉर एवरीवन। जब भी आपको कोई चीज समझ नहीं आया, 50% नहीं आया, लाइक दैट आल्सो यू हैव अ ऑप्शन। ओके, मूविंग अहेड, सो नाउ द हेडिंग इज, नेक्स्ट हेडिंग जो ये आप प्लीज इस पे अगर क्वेश्चंस देखेंगे भी, दिस आई लीव दैट टू यू, बिकॉज़ आज मैं चार पांच क्वेश्चन यहां प्रैक्टिस नहीं करा सकता हूं, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, बट ट्राई टू फाइंड सम क्वेश्चंस व्हिच वेयर टू राइट इन गूगल इटसेल्फ के इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ गिवन फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन यूजिंग डिकोडर। ठीक है, उधरी राइट साइड में लिख लीजिए एक छोटा सा असाइनमेंट जो मैं चेक नहीं करूंगा, लेकिन आप के लिए, दैट इंप्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन यूजिंग इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप देखिए, हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर्स यूजिंग, सॉरी हायर ऑर्डर डिकोडर्स यूजिंग लोअर ऑर्डर डिकोडर। Higher order decoders using lower order, मतलब आपको 4 cross higher order decoders using lower order decoders। आपको 4 cross 16 implement करना है, इसमें सवाल आपसे है इसमें कितने 2 cross 4 लगेंगे। Okay. तो फर्स्ट एग्जांपल इटसेल्फ हम यही करेंगे, लेट्स फाइंड आउट कि एक 4 क्रॉस आइसोबोटिस, ये ट्राई करें गलत की बार करें, ट्राई करें थोड़ा पेज वेस्ट करें, अच्छा है एक बार ट्राई करें जल्दी से 4 क्रॉस 16 बनाना है 2 क्रॉस 4 से, इतनी देर में सही वाला स्ट्रक्चर बना देता, लेकिन आप वेट नहीं करेंगे, आप बनाइए गलत वाला या जो भी आपसे बनता है, अगर सही बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वेरिएबल्स होंगे ए बी सी और डी, राइट, this covers the first part of today's lecture, let's move to another part.